अकाली दल के ये सांसद हैं मान जी, और मुझे लगता है कि उन्होंने महिला की इज्जत को उछाला है। यदि कोई ऐसी बात कहीं होती भी है तब भी हम उसको बार बार कुरेदें और बार बार कहें कि औरत का रेप हुआ, रेप हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ मान जी से, औरत का रेप करता कौन है? क्या वो मर्द नहीं होता जो औरत का रेप करता है? तो इसका मतलब आप मर्दों को भी गाली दे रहे हैं और मर्दों की औरत के रेप की हंसी उड़ाकर मर्दों की साइड ले रहे हैं। दोनों में से आपको डिसाइड करना होगा कि आप उस मर्द के खिलाफ चलेंगे जो रेप करता है, या आप उस मर्द को मर्दानगी की शाबाशी देंगे। रही बात आपके इन अल्फाजों की, तो मुझे ऐसे लगता है जो भी पॉलिटिकल प्रोफेशनल या किसी भी ऐसे लेवल पर जहाँ वो एक अच्छी पोजीशन पे राइज हो जाता है, वो आने वाली पीढ़ियों का आइकॉन बनता है, चाहे वो एक कलाकार हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, या किसी भी अच्छे पोस्ट पर हो, इंडस्ट्री का हो, वो एक आइकॉन होता है आने वाली जनरेशन का। आप अपने आने वाली जनरेशन को, आप अपने घर के बच्चों को, बेटों को, पोतों पोतियों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि महिलाओं का रेप होता है? और ये बहुत एक्सपीरियंस वाली बात है। क्या आप उनके आइकॉन इस तरह से बनेंगे, या आप पंजाब के आइकॉन, पंजाब की बेटियों को शर्मिंदा करने वाले आइकॉन बनेंगे? मुझे इस बात का बहुत दुख है, और ऐसे आइकॉन्स की हमें ज़रूरत नहीं। महिला आयोग ऐसे लोगों को नहीं बख्शता है जो महिलाओं की इज्जत को उछालते हैं। अरे हमारी किसी बेटी के साथ, बहन के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो भी जाए तो भी हमें उस पर पर्दा ढांकना चाहिए, उसको न्याय दिलाना चाहिए, उसको सतामना देनी चाहिए, ना कि बार बार रेप 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 ऐसा दुष्ट शब्द कह कहकर अपने आप को बड़ा करना चाहिए। क्या नोटिस जारी किया गया? हमने उनको नोटिस जारी किया है कि 5 दिन के अंदर अंदर वो महिला आयोग को कंगना रनौत से माफ़ी मांगने का अपना बयान जारी करें, अन्यथा हम आगे कार्रवाई करेंगे, जो एक कानूनी कार्रवाई बनती है। कोई भी जब एक बेटी के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है, उस बेटी की परिस्थिति क्या रहती है शायद मान जी को ये पता नहीं है। कभी उस बेटी के साथ बैठकर 2 पल बिताइए तो सही, ज़रा सुनिए तो उसका दर्द कि कैसी दरिंदगी उसके साथ पुरुष करते हैं। और आप भी पुरुष हैं, आप भी एक आदमी हैं, कैसी दरिंदगी महिलाओं के साथ होती है ऐसी गंदी मानसिकता वाले। तभी तो कैलकटा जैसे मामले सुलझते नहीं हैं, तभी तो कैलकटा जैसी जगहों में ऐसी डॉक्टर्स के साथ अभद्रता होती है, क्योंकि आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं।